अमेरिका के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बात हम यहाँ पे करते हैं कि ये पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो ये फोर्थ नंबर पे आता है। और यहाँ पे डिजर्ट वगैरह देख लो कौन कौन से यहाँ पे, और कोलोरेडो प्लेटू बेसिकली ये पूछ लिया जाता है, कोलोरेडो का पठार या कोलोरेडो प्लेटू, और कोलोरेडो डिजर्ट भी एक्चुअली में पड़ता है ये, एक तरीके से ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। दिखा? ठीक है। तो और ये दूसरा चिहुहुना, ये वाला भी आपने डिजर्ट आपको पता होना चाहिए कि ये भी अमेरिका के अंदर ही, अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ही पड़ रहा है। चिहुहुना अब अमेरिका की लोकेशन देखो, अमेरिका के आसपास, मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, अमेरिका जहां जहां बोलूंगा मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ओशियंस जो एंड सीज जो आप इसके आसपास पड़ रहे हैं वो है सबसे पहले अटलांटिक ओशियन जो आपके उसके बगल में देखने को मिल रहा है, कैरेबियन ओशियन भी आपको यहाँ पे साउथ वाली साइड में देखने को मिल रहा है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है, और गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये टॉप पे देखने को मिलेगा, और बेरिंग सी ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पता होनी चाहिए आपको कि ये भी आपको अलास्का के पास देखने को मिलेगा, बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट के बारे में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, या इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सी है या स्ट्रेट है जो कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट को मिला रही है, एशिया और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में कौन सा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ, एशिया, लेकिन ऐसे हम अगर हम देखते हैं उसको तो बेरिंग सी और स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है, और हडसन बे, हडसन की खाड़ी, ठीक है, यहाँ इसको भी आपको देख सकते हो प्रॉपर तरीके से कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये वाली जगह पूरी आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है और कौन से कंट्री में, बेसिकली दो ही कंट्री मेजर है यहाँ पे, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, और आइलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड आइलैंड, हाँ यही रहा, लेकिन किसका कंट्रोल है यहां पे, ग्रीनलैंड आइलैंड पे किसका कंट्रोल है, लिखा होगा इस पे, लिखा है यूके है। ये जो है यूके का है, डेनमार्क पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो डेनमार्क के कंट्रोल में है अपना ग्रीनलैंड आइलैंड। बेफिन, बे ऑफ बेफिन पूछी गई है, पढ़ी है बे ऑफ बेफिन, पहले सुना है बे ऑफ बेफिन, कब सुना था, जब मैंने ओशन करंट बताई थी, लेब्राडोर ऊपर से आ रही थी, यहीं से निकलती है, लेब्राडोर ऊपर से आती है, बे ऑफ बेफिन से हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, और कहां पे ये मिलती है, ग्रेट बैंक, ठीक है, ये आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बीच में बेफिन हाँ, बेफिन बे, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आपको देखने को मिलेगी, यहीं से निकलती थी जब हमने ओशन करंट्स पढ़ी थी, तो ओशन करंट्स जो लैब्राडोर है वो यहां से आती थी, तो पोलर साइड से निकलती है ऊपर से, तो यहां से निकलती थी, और नीचे से कौन सी आती थी, कौन सी आती थी ओशन करंट, और ये जो ग्रैंड बैंक है वहां पे ये मिल रही है, इक्वेटर से आती है, कौन सी, क्या नाम है उसका, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आती है, और यहां पे ये जो न्यूफाउंडलैंड आइलैंड जो आपको यहां पे दिख रहा है, न्यूफाउंडलैंड आइलैंड पे ये मिलती है, और इसी पे है क्या, ग्रैंड बैंक, ठीक है, ग्रैंड बैंक भी यहीं पे सिचुएटेड है। तो ये थोड़ा सा आपको इतना सा इसके बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ पे क्या चीज होता है, ग्रैंड बैंक क्यों फेमस है, फिशिंग के लिए ये फेमस है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एटमोस्फेयर है, जो माहौल है, वो ऐसे बन जाता है क्योंकि यहाँ पे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो है वो मिलती है, ठीक है, और ठंडी गर्म जल धाराएं यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी एक तरीके से मछलियों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मछलियां बहुत ज्यादा होती है, और फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इस वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर।
वेफिन वे, यहाँ पे देखो ये वेफिन वे तो यही है। ऐसे नजरें घुमाओ तेज तेज। चलो उसको देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट की। तो हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दो कॉन्टिनेंट हमने पढ़े, तो हाईएस्ट पीक एशिया की और अफ्रीका की बताओ जल्दी से। माउंट एवरेस्ट है एशिया का, अफ्रीका की कौन कौन सी है हाईएस्ट पीक? किलीमंजारो। K2 एशिया में है, वो भारत की है, काराकोरम रेंज पे। माउंट मेकनली कहां पे है? और इसको बोला जाता है, और एक क्या नाम है इसका, देनाली माउंटेन। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। आपके आपको मैंने ये पहले भी करवाए हुए हैं, लगाए हुए निशान यहाँ पे। ऊपर देखो कैनेडा अलास्का वाली साइड में माउंट मैकिनले, ये प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले कुछ ऐसे नाम है। ठीक है, ये रहते हैं प्रेसिडेंट यूएसए के, उनके नाम पे ये पीक का नाम रखा गया है, और ये देनाली नाम से अब इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम मैकिनले भी बोलते हैं, लेकिन देनाली नाम भी इसको दे दिया गया है, इस पर्टिकुलर चोटी को, पीक को। ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। लोएस्ट पॉइंट की मैंने आपसे कल भी बात की थी। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट जो अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट जो है वो डेथ वैली हमें देखने को मिलता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत, जहां पे हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कैलिफोर्निया के अंदर डेथ वैली। ठीक है, ये इतनी सी हमारे पास जानकारी आ गई। फिर इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल, अगर हम एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं तो एशिया अफ्रीका के बाद ये आता है। इट इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी आपने देख लिया, एंड द पैसिफिक ओशियन जो वेस्ट से पड़ता है, और आर्कटिक ओशियन जो कि नॉर्थ से कनाडा वाली साइड से हमें देखने को मिलता है। टू द नॉर्थ इज द सेपरेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट टिप साइबेरिया, तो ये आप देख सकते हो जो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आप अलास्का के पास हमने पर्टिकुलर देख ली। ठीक है, रशिया और यूएसए के बीच में ये कंट्री पूछ ली जाए तो ये रशिया एंड यूएसए, कॉन्टिनेंट पूछ लिया जाए तो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, दूसरी चीज आपने यहाँ पे क्या याद रखनी है, 49th लेटिट्यूड पैरेलल फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यूएसए। हाँ, 49th पैरेलल जो है वो क्या है, यूएसए और कनाडा के बीच में जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है 49th पैरेलल। 38th पैरेलल किसे कहा जाता है, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पे देख ली। उसके बाद फिजिकल एस्पेक्ट्स इसके देखे देखते हैं, माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, ब्रुक्स रेंज अलास्का, कैस्केड रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, रॉकी माउंटेन। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स आपने देख लिए हैं कहाँ पे है, प्रॉपर तरीके से आपको ये दिखेंगे यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स ऊपर से नीचे तक, और यहाँ पे सियरा निवेदा। ठीक है, ये भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है सियरा निवेदा के बारे में, कि सियरा निवेदा जो है ये माउंटेन्स जो है ये कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लगाई होगी निशानी, इस पे लगाई है, हाँ ब्लैक माउंटेन्स। ठीक है, ब्लैक माउंटेन्स व्हाइट माउंटेन्स ये भी याद रखने हैं, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन्स, यूएस यूएसए के अपने ये अलग है, हाँ व्हाइट माउंटेन्स भी यहीं पे पड़ते हैं। इधर बैठे हो आप भी, इधर ही आ जाओ, नहीं तो उधर बैठ जाओ। हाँ वही होता है ना सर पेन, हाँ पर्टिकुलर जो है ना, विद मैप प्रैक्टिस करो, और फिर एक दो बार चाहे मैप ही देख लिए ऐसे ही, फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता लग जाएगा कि ये चीज क्या कहाँ पे है और हमें ये देखने को मिलता है। सियरा नेवेडा, रिवर्स रिवर्स देखो आप, रिवर्स जो है आप बाउंड्री पे देखना इन सारी रिवर्स को, इनके बीच में मिसिसिपी बहुत बार पूछी जाती है, फिर
ठीक है, मिसिसिपी यूएसए एंड इनके बॉर्डर पे देख लें सारी रिवर्स को, ठीक है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के आसपास देखो, मिसिसिपी, मिसौरी, लॉरेंस, कोलोराडो, ठीक है, और यहाँ पे और क्या पूछा जाता है, हाँ बस ये इनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। मैकेंजी, मिसिसिपी, मिसौरी, लॉरेंस, और भी यहाँ पे कोई और भी, ऑन्टेरियो, इरी, ये सारी इधर ही पड़ेगी, ये सारी रिवर्स इधर इधर देखो, ये लेक है, बस बस से ये देखना है आपने, रिवर्स जो है ना, रिवर बेसिकली सारी जो बाउंड्री पड़ रही है ना, ये यहाँ पे यहीं पे पड़ रही है, रिवर्स के बारे में सिर्फ आपने यहाँ पे ये इनके बारे में याद रखना है कि कौन कौन सी रिवर्स है, और लेक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इनको देखना कि ये पर्टिकुलर कैनेडा में पड़ रही है या फिर यूएसए के अंदर पड़ रही है, ठीक है, रिवर्स के बारे में आपको ये इतना सा पहले पता होना ही चाहिए। और लेक्स की अगर हम बात करें, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर देखो कहां पे, कनाडा के, कनाडा में देखो, ग्रेट स्लेव इसको भी कनाडा के अंदर देखो, इधर देखो इस पे देखो, मैंने आपसे करवाए भी थे, ये इधर लगाई तो नहीं है निशानी, ग्रेट स्लेव, इधर ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ठीक है, और ग्रेट साल्ट लेक इसको भी देखो, ग्रेट साल्ट लेक कहां पे पड़ रही है, हाँ यहीं पे देखो इसको भी, ये कौन सी है, अथावास्का, इसको भी देखो, हाँ नीचे होगी, इसको इसको भी कर दो, रेंडियर लेक है ये यहीं पे, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंडियर लेक कनाडा के अंदर, ग्रेट साल्ट लेक देखो यूएसए के अंदर, रॉकी माउंटेन्स पे, ठीक है, ठीक है, अथावास्का ये भी मिल गई, ये भी हमें यहीं पे देखने को मिलती है रेंडियर के पास, कनाडा के पास, और विनिपेग लेक देखो, विनिपेग लेक ये भी पूछा जाता है, विनिपेग लेक, ठीक है, तो ये भी हमें कहां पे देखने को मिल रही है, कनाडा के अंदर। लेक सुपीरियर की अगर हम बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, हाँ बिगर देन द कैस्पियन सी, हाँ, लेक मिशिगन, ह्यूरन और इरी, ओंटेरियो, ठीक है, ये भी वहीं पे आपको देखने को मिलेंगी, ये भी इनको भी देखो, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, ये रिवर्स भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको लेक्स भी यहाँ पे निकलती हुई देखेंगे, ग्रेट साल्ट लेक तो आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सी लेक्स जो है वो देखने को हमें मिल रही है, ठीक है, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, सुपीरियर, ठीक है, तो मेन चीज आपने प्लेटूस के बारे में, कोलोराडो का पठार या कोलोराडो प्लेटू जो है वो आपने देखना है, यूएसए में ये पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है, कोलोराडो के बारे में, कोलोराडो प्लेटू के बारे में पूछा जाता है, वोल्केनिक इरप्शन से ये बना था, ठीक है, कोलोराडो, ठीक है, और बस बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, टर्म है पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, जैसे इंडियन पेनिनसुला या इंडियन पेनिनसुला रिवर्स कौन सी है, ऐसा मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन पेनिनसुला इनमें से इन इंडियन पेनिनसुलर में बहने वाली रिवर्स कौन सी है, तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया वाला जो पेनिनसुला बोलते हैं, जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, मतलब कि एक लैंड मास जो है वो मेन लैंड से कनेक्ट होता है और बाकी तीन जगह से वो क्या होता है, वो वाटर से या फिर ओशियन उसके दो तीन जगह से होता है, घिरे हुए होता है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं।
तीन जगह से वो पानी से घिरा हुआ और एक जगह जो है वो मेन लैंड से वो कनेक्ट है, इसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इंडियन जो पेनिनसुला से बहने वाली रिवर्स इनमें से कौन सी है। पेनिनसुला का मतलब अगर हमें पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कैनेडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है, कैनेडा की है, और भारत में किसकी है पूछा गया था आपसे उन्हीं एग्जाम में, ठीक है। ये पूछा गया था कि भाई पहली दूसरी ऐसे बताओ भैया किसकी है, तो दो एटलीस्ट तीन तो पता होने चाहिए इंडिया के तो खासकर, ठीक है, गुजरात आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तीसरी आगे पढ़ेंगे लेकिन आई थिंक कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, यूएस इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री एरिया एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, आप यहां पे देख सकते हो। और 49th पैरेलल के बारे में अभी हमने देख लिया, जो कनाडा और यूएसए के बीच में यहां पे बाउंड्री शेयर हो रही है, इट इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कंट्रीज। हाँ वही है कि यहाँ पे हम इन दो कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ा बॉर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है। और चीज क्या बोली है इन्होंने यहाँ पे, इरी जो नहर है, इरी कैनल जो है, ग्रेट लेक वाटरवेज, देखो ग्रेट लेक वाटरवेज जो हमने लेक पढ़ी ना ऊपर, जो चार पांच लेक जो है इकट्ठी इकट्ठी पड़ी, चार पांच चाहिए, ठीक है, तो इनको बोला जाता है ग्रेट लेक्स वाटरवेज। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था पहले कि ग्रेट लेक्स वाटरवेज में कौन सी रिवर नहीं आती है, तो ये तीन चार तो आपको पता होने चाहिए कि ये जो है ग्रेट लेक्स वाटरवेज में इसको कंसीडर किया जाता है। सेंट लॉरेंस सीवेज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, पे आयरन ओर वगैरह यहाँ पे बढ़िया तरीके से मिलते हैं, निकल सल्फर कोल वगैरह सब कुछ मिलता है। और ये आपने यहाँ पे याद रखना है प्रेरी, प्रेरी क्या पढ़ा था हमने, प्रेरी पढ़ा था, ये वाली टर्म पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ग्रास लैंड जब मैंने पढ़ाए थे, पढ़े थे हमने ग्रास लैंड, ठीक है, तो रीजन पूछ लो ऐसे कुछ भी पूछ लो, प्रेरी ग्रास लैंड प्रेरी रीजन, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमें प्रेरी जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दी फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रोवाइड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉफ्ट वुड्स, यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोमिनेंट ट्री हमें फॉर पाइन लार्ज, इस तरीके से स्प्रूस वगैरह देखने को मिलता है। ये कौन सी वनस्पतियां, किस टाइप की वनस्पतियां, ये है जो हायर लेटिट्यूड में हमें देखने को मिलती है, इस तरीके के जो पेड़ पौधे, ठीक है, ये हमें हायर लेटिट्यूड में देखने को मिलते हैं। लेक सुपीरियर के बारे में तो हमें पता ही है कि भाई ये लार्जेस्ट क्या है, फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, ठीक है, मेज वीट एंड वाले आदि इंपॉर्टेंट क्रील्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में वैसे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। कैनेडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूज प्रिंट इन द वर्ल्ड, देखो ये डाटा चेंज होता रहता है इसको रहने दो। दी पेनामा कैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पेनामा नहर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कनेक्ट किसको करती है, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, ये आपने यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट की बात अगर की जाए तो साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ये कनेक्ट कर रही है। बाय यूजिंग पेनामा कर्ल द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को कैन बी शॉर्टेड टू नियरली, आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे 23,000 किलोमीटर का यहाँ पे हमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका से हमने माउंटेन्स वगैरह रिवर्स वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। क्या नहीं मिला, प्रेरी, प्रेरी ग्रासलैंड है, हो भी सकता है, इस पे नहीं भी हो सकता है।
क्योंकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट निकालो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिल जाती है ये चीजें, जैसे पंपास है, लानोस है, ये भी ग्रासलैंड है जो हमने पढ़े थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ब्राजील में भी है, ब्राजील में अर्जेंटीना में भी पढ़ते हैं, ठीक है, वेनेजुएला साइड में लानोस देखने को मिलते हैं, तो ये इस पे मेंशन है एटलस में। अब बढ़ते हैं आगे, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमें पता क्या होना चाहिए, हाईएस्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है, अकॉन्कागुआ, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, एंडीज पे पड़ती है ये, ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज में देखो इसको, माउंट अकॉन्कागुआ कहां पे ये पड़ रहा है, चिली में पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, माउंट अकॉन्कागुआ के बारे में आपको प्रॉपर इसका पता होना चाहिए। डिजर्ट, डिजर्ट में का भी पता होना चाहिए, अटाकामा एंड पेंटागोनिया, अटाकामा पेरू के पास देखो, पेरू चिली, अटाकामा, अटाकामा डिजर्ट, वर्ल्ड का ये सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट डिजर्ट है, यहाँ पे बारिश बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है, हाँ ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ओशन करंट्स, ओशन करंट नहीं, एलनीनो के टाइम पे बताया था ये, हाँ ये लिखा है, हाँ तो कॉपर वगैरह के लिए भी यहाँ पे ये जाना जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे अटाकामा और पेंटागोनिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नीचे देखो अर्जेंटीना साइड में कहीं, ठीक है, तो ये आपको दो मोस्ट मेजर यहाँ के क्या है, डिजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साउथ अमेरिका हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री फिजिकल डिविजन्स, नेमली टू ईस्टर्न हाइलैंड्स, द सेंट्रल प्लेन्स, वेस्टर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप में, इस तरह से ये बटा हुआ है। तो यहाँ पे आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, कोटापेक्सी की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पे, इक्वाडोर में है, इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये हाईएस्ट वॉल्केनो है, वन ऑफ द नहीं, ये हाईएस्ट ही, ठीक है, कोटापेक्सी जो है वो हाईएस्ट वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो वर्ल्ड का, ठीक है। और पराग्वे एंड बोलिविया, देखो ये भी पूछे जाते हैं, पराग्वे एंड बोलिविया आर दी ओनली लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, यहाँ पे ये दो ही कंट्री ऐसे है जो लैंड लॉक्ड है यहाँ पे, इसके बारे में पूछा गया था, ये वाले इसके बारे में, ठीक है, तो यूपीएससी में पूछा था कि ये दे दिए थी बहुत सारी कंट्रीज, फिर इस पे बोला गया था कि कौन सी नहीं है, तो पराग्वे नहीं था, लेकिन उरुग्वे पराग्वे ये दोनों साथ साथ में है, तो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो इसलिए आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि सिर्फ दो ही कंट्री है यहाँ पे, बोलिविया एंड पराग्वे। और पंपास, पंपास के बारे में यहाँ पे क्या है, ये ग्रासलैंड भी है और प्रॉपर तरीके से ये फर्टाइल रीजन है यहाँ के, और साउथ अमेरिका में ये हमें देखने को मिलते हैं। और पंपास कौन से कंट्री में स्पेसिफाई है, कौन से स्पेसिफिक हमें कहाँ पे देखे, हाँ अर्जेंटीना के अंदर हमें देखने को मिलेंगे पंपास, और यहाँ पे एक घास पाई जाती है, ये घास भी पूछी जाती है, एक्चुअली ये भी पूछी गई है, लेकिन ये पूछा गया था कि अल्फा अल्फा, व्हाट इज अल्फा अल्फा, ये पूछा था, तो ये क्या है, घास है, तो ऐसे सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अल्फा अल्फा जो है वो एक तरीके की घास है, और ये घास हमें कहाँ पे मिल रही है, अर्जेंटीना में पंपास में, और इसके साथ साथ में ब्राजील में भी आप देख लो, ब्राजील में कौन से ग्रासलैंड मिल रहे हैं हमें, जो फर्टाइल रीजन है वहां का, ब्राजील के अंदर कैंपोस, कैंपोस, ठीक है, वो याद रखो, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ट्रायंगुलर शेप में जो अभी हमने देख लिया, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ
साउथ अमेरिका, मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फेयर में ये पड़ता है, और इट इज सराउंडेड बाय कैरेबियन सी इन द नॉर्थ और अटलांटिक इन द ईस्ट, और अंटार्कटिक ओशियन जो है वो हमें साउथ में देखने को मिलता है, और पैसिफिक ओशियन जो है वो हमें इसके वेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, अमेरिका एज वेल एज मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज कलेक्टिवली नोन एज लैटिन अमेरिका। आप देख सकते हो कि लैटिन अमेरिका किसको बोला जाता है, ठीक है, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज, जो आसपास के बहुत सारे आइलैंड पड़ते हैं, कैरेबियन आइलैंड जो पड़ते हैं, उनको बोला जाता है लैटिन अमेरिकी कंट्रीज। ठीक है, तो ये आपने यहां से याद रखना है इसके बारे में कि क्या क्या चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न माउंटेन्स जो है वो यहीं पे पड़ते हैं, वेस्टर्न पश्चिमी माउंटेन्स जिनको बोला जाता है। एंडीज के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि एंडीज क्या है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो यहीं पे पड़ रही है। और ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ठीक है, इनको छोड़ो, ये पूछा जाता है गुयाना हाईलैंड्स, ये कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, टॉप पे देखो वेनेजुएला के आसपास, वहां पे पूछा जाता है गुयाना हाईलैंड्स, गुयाना उच्च भूमि ऐसा पूछा जाता है। कि ये कंट्री देखना, ये स्पेसिफिक कंट्री कौन सी है, ठीक है, कंट्री पूछी जाती है कि ये जो गुयाना हाईलैंड्स है या फिर गुयाना उच्च भूमि ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये वेनेजुएला में, मोस्टली वेनेजुएला में ये देखने को हमें मिलती है। वेनेजुएला। रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न, यहीं से निकलती है, एंडीज से, ठीक है, और दूसरी जो है ओरिनोको, ओरिनोको के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वहीं देखो, और पराना एंड ला प्लाटा, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये दो, पराना एंड ला प्लाटा रिवर्स, ठीक है, अमेज़न, पराना और ला प्लाटा जो रिवर है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हमें देखने को मिलती है ये रिवर्स। ठीक है, देखो ब्राजील में देखो इनको, इस पे देखो, इस पे दिखेगी ये सही से, इधर उधर देखो इनमें, हाँ, दूसरी मिल गई पराना, हाँ बस बस, ला प्लाटा भी आपने याद रखनी है, लिख लो साइड में, बाद में इसको ढूंढ ले लो फिर। लेक्स देखो, लेक्स, ये दो मेजर लेक्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे एक ही है ये वाली, टिटिकाका के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, टिटिकाका, टिटिकाका देखो बोलिविया पे, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, वर्ल्ड की हाईएस्ट ये लेक है जहां पे प्रॉपर तरीके से नौकायन, मतलब नाव वगैरह जो चलाई जा सकती है बढ़िया तरीके से, यहाँ पे पेरू बिलो ये प्लेटू में बाउंड्री शेयर कर दिए ना यहाँ पे, हाँ बस ये याद रखो इसके बारे में मेजर। बोलीवियन पे अब देख लिया, बोलीविया पे ही होगा प्लेटू, ठीक है, और पैटागोनिया जो है वो हमने नीचे डिजर्ट के पास भी यहाँ पे देख लिया, जो दो प्लेटू हमें देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका के बारे में क्या बोला गया है कि इट कंटेन्स द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, यहीं पे देखने को मिलते हैं। एंजल वाटरफॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड का ये क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो ये पता होना चाहिए कि ये रिवर कौन सी है, ठीक है, रिवर कौन सी रिवर पे ये बना हुआ है, और ये एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल सुना होगा आपने, ठीक है, तो इसके बारे में ये होमवर्क है आपको, ये यूएसए, यूएसए में है, कनाडा, ले रिवर, रिवर देखनी है इसकी, कौन सी रिवर पे है ये रिवर, देख के आनी है रिवर कौन सी है इसकी,
एंजल वाटरफॉल जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इसके बारे में, बस ओरिनोको जो वो रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इट कंटेन्स द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल एंड द लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम। एग्जांपल हमने देख लिया कि जो अमेज़न रिवर है वहां पे हमें वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हमने देख लिया कि एंडीज जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। मोरओवर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये ड्राइएस्ट प्लेस जो है वो है अटाकामा डिजर्ट। द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, ठीक है, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहीं पे है हमें देखने को मिलते हैं। द हाईएस्ट कैपिटल सिटी, ठीक है, लापेज, तो जहां पे जो जिसकी हाईएस्ट जो कैपिटल है राजधानी की यहां पे बात की गई है, नहीं ये वर्ल्ड की है, हाँ ये वर्ल्ड की है जो लापेज है। जनरली लापेज भी पूछ लिया जाता है कि भाई लापेज जो है वो किसकी कैपिटल है, ठीक है, बोलिविया की है, ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। ये हाईएस्ट कमर्शियल नेविगेशन लेक, हाँ इसी की बात में कर रहे थे, एक बार थोड़ा इसको वो कर लेना है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, जो पानी के जहाज जो है वो चलाए जाते हैं, ये लेकिन कमर्शियल जो है वो हाईएस्ट कमर्शियल वाटरवेज है, मतलब एक तरीके से नेविगेशन लेक है ना, कमर्शियल नेविगेशन लेक, लेक टिटिकाका एज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, जो हमने प्रॉपर देख लिया कि इसकी लोकेशन जो है वो पर्टिकुलर कहाँ पे है। लानोस एंड कंपोस की यहाँ पे बात की गई है, आगे सवाना ग्रासलैंड है यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर पड़ रहे हैं, ठीक है, देख लिया हमने लानोस, लानोस भी इनकी पर्टिकुलर लोकेशन देख लेना ऊपर, लानोस ये कहाँ पे पड़ रहे हैं, कैंपोस भी हमने देख लिए, ठीक है, लानोस देख लिए, ऊपर पड़ते हैं ये, हाँ ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सेल्वास, सेल्वास क्या है, सेल्वास भी पूछा जाता है, सेल्वास क्या है, आर द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न बेसिन, तो ये आपने याद रखना है कि जो सेल्वास है, ठीक है, सेल्वास किसे बोला जाता है, जो रेन फॉरेस्ट है अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वर्षा वन है, उनको बोला जाता है सेल्वास, जो कि मोस्टली ब्राजील के अंदर हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि इक्वेटर जो है वो वहीं से होके जाती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है स्पेशलाइज्ड इन कॉफी प्लांटेशन के लिए, और कॉफी पर्टिकुलर जो बढ़िया होती है इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला वाली साइड में हमें देखने को मिलती है। मेज वीट भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है मिनरल्स के रूप में बहुत ज्यादा रिच है, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, इस तरीके से बहुत सारे मिनरल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सा पर्टिकुलर जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। ब्राजील हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन इन सेराडोस कैराजस हिल्स, ठीक है, तो ये भी आप एक तरीके से याद रख सकते हैं कि जो आयरन के जो रिजर्व मिले हैं वो ब्राजील की कैराजस हिल्स में हमें देखने को मिलते हैं। ब्राजील इज आल्सो नोन एज द कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आप याद रख सकते हो, जिस तरीके से यूक्रेन को क्या बोला जाता है, वीट के लिए बोला जाता है वो, ठीक है, एक तरीके से, और जो शुगर के लिए बोल रहा है वो क्यूबा है, ठीक है, शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड वो क्यूबा है। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से कॉफी होती है ब्राजील के अंदर। ब्राजील इज द ओनली कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड वन ऑफ द ट्रॉपिक, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्टिनेंट तो हमने देख लिया था कि कोई कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, दैट इज अफ्रीका, और अगर पर्टिकुलर कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं जहां से दो लाइन जो इक्वेटर भी है और कैप्रिकॉन भी है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री है, कॉन्टिनेंट नहीं है, तो ये है ब्राजील, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसको खत्म और अब करते हैं